दोस्तों आज की इस वीडियो में T2 टीवी चैनल्स दिखाने वाला हूँ, यानी डीडी फेरेडिस के T2 वाले जितने भी टीवी चैनल्स हैं वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों DBB T2 टीवी चैनल्स आपको पहली बार साहिल फेरेडिस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों ये T2 क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ से दोस्तों इस सेटअप बॉक्स को, यानी कि जो हमारा टीवी है और खुद ही ये सेटअप बॉक्स है और इसमें के सेटअप बॉक्स भी आते हैं, तो इसे मैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से स्कैन कर रहा हूँ। आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों कि जब हम लोगों की जो टीवियाँ होती थी, जब पहले वाली जो टीवी होती थी उसमें दोस्तों कुछ इस प्रकार से झिलमिलाहट के साथ, जो कि आपको देखने को आगे मिलेगा, झिलमिलाहट के साथ आपको स्कैनिंग मिलती थी। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से है, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये झिलमिलाहट है और इसी प्रकार से आपको पहले टीवी चैनल्स देखने को मिलते थे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं, फाइन ट्यूनिंग, सर्च और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, बहुत दूर दूर के जो टीवी प्रोग्राम हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, करंट चैनल है और उसके बाद से चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, कुछ इस प्रकार से जैसे खटके वाले जो ब्लैक एंड वाइट टीवी में चैनल्स आते थे वैसे हम लोग यहाँ से बदलते थे और इसमें कुछ इस प्रकार से रिमोट से बदल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं, साउंड क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोग देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आप इनपुट में आते हैं, जो DTV है यहाँ पे, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। अब दोस्तों इसे हम कर देते हैं ऑटो ट्यूनिंग। तो दोस्तों ऑटो ट्यूनिंग कुछ इस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा दोस्तों टाइम लगेगा और मुझे वीडियो को बीच में पुश भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्कैनिंग हो रही है और ये याद दिलाता है कि हमारा जो पहले जो टीवी हुआ करता था, जब पहले हम लोग आज से 10 साल पहले टीवी चलाते थे तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग ट्यूनिंग किया करते थे। लेकिन दोस्तों अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब सब कुछ हो गया है रिमोट सिस्टम पे और रिमोट पे ही अब आपको कलर टीवी, छोटी टीवी पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों मैं आपको अपनी ये टीवी की साइज़ दिखा दूँ। दोस्तों ये देखो इतना छोटा ये टीवी का साइज है, ठीक है। और दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को टीवी चैनल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि दोस्तों ये जो T2 टेक्नोलॉजी वाले जो टीवी चैनल्स हैं, ये दोस्तों आपके शहर के हिसाब से, आपके हर एक शहर में आपको एक रीजनल चैनल मिल जाएगा और बाकी वहाँ पर आपको कुछ FM के चैनल मिल जाएंगे और DD नेशनल, DD स्पोर्ट और DD न्यूज टीवी चैनल मिल जाएगा, साथ में और भी कुछ चैनल्स मिल जाएंगे वहीं पर। दोस्तों अब ये काम कहाँ करता है, दोस्तों अगर आपके घर में, आपके शहर में आप जैसे कि बिना डिश एंटीना लगा के जो चैनल्स देखते हो वही टीवी चैनल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हालांकि मेरा लोकेशन है लखनऊ सिटी से मैं हूँ, ठीक है। तो मेरे सिटी में जो होम चैनल है सिटी, लखनऊ सिटी जो है, और वो चैनल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है और बाकायदा अच्छी तरीके से देखने को मिल जाता है। साथ में और भी बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं बिना किसी एंटीने के वायर की मदद से, यानी बिना एंटीने लगा के एकदम क्लियर पिक्चर क्वालिटी के साथ। दोस्तों 3 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो गई और अभी तक मैंने आप लोगों को कोई चैनल नहीं दिखाया, तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा सा मैं पुश करूँगा क्योंकि दोस्तों इसमें स्कैनिंग में टाइम लेता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टीवी ये स्कैनिंग हो चुका है और यहाँ पे देख दोस्तों ये देख सकते हैं DD न्यूज, ये देखिए सबसे पहले DD नेशनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, उसके बाद से दोस्तों DD UP यानी ये लखनऊ दूरदर्शन है, जो कि मैंने सिटी की बात कही तो आपके सिटी के हिसाब से एक टीवी चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों आपको DD न्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे DD भारती, वहीं पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं DD स्पोर्ट, और उसके बाद से दोस्तों AIR लखनऊ आप लोग देख सकते हैं लिखा है, ये लखनऊ का रेडियो है, और उसके बाद ये रेनबो आपको मिल जाता है 7 नंबर, 8 नंबर पे आपको FM गोल्ड मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं DD नेशनल, फिर यानी 8 टोटल चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इस टीवी में। और ये टीवी दोस्तों बहुत ही शानदार है दोस्तों, इसमें दोस्तों एंटीना नहीं लगाने की ज़रूरत होती है, एंटीना नहीं लगता है और बिना एंटीना के ही आपको यहाँ पर बहुत सारे टीवी चैनल देखने को
मिल जाते हैं। तो दोस्तों T2 टेक्नोलॉजी आपके भी शहर में चालू होगा और आप इस टीवी को ले सकते हैं। इसका सेटअप बॉक्स भी आता है T2 का, जिसकी अपडेट मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और T2 टीवी की मैंने अपडेट मैंने दे दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का, उस वीडियो को देखें। पूरा मैंने इस टीवी को अनबॉक्स करके दिखाया है ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों, इसमें कितने चैनल चलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको ए टीवी मिल जाता है, ए भी मिल जाता है। ए भी का ऑप्शन आप अपने कोई भी टीवी सेटअप बॉक्स को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे RGB मिल जाता है, USB मिल जाता है, जो कि मैंने USB लगा रखा है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं USB में आप कोई भी प्रोग्राम देख सकते हैं जो आपने अपनी पेन ड्राइव में डाउनलोड किया रखा हो। ये सब प्रोग्राम आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन की एक वीडियो थी हमारे पास। और उसके बाद से दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चैनल का लोगो है, वहीं पे दोस्तों ये देख सकते हैं ये कुछ हमारे पास डिस्क्लाइमर वगैरह है। और उसके बाद से दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और फिर मैंने इसको ये दबा, यहाँ पे दोस्तों आपको FM रेडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे उस वीडियो का, उस वीडियो को दोस्तों ज़रूर देखिएगा, बहुत ही शानदार मैंने वीडियो बनाई है। साथ ही साथ दोस्तों गिवअवे भी है हमारी उस वीडियो पे। साथ ही साथ दोस्तों हमारा एक छोटा सा गिवअवे चल रहा है, जिसमें दोस्तों हम अपने कुछ सब्सक्राइबरों को दे रहे हैं ये वाला फ़ोन, जो कि एक फीचर फ़ोन है जिसकी कीमत 1000 रुपये के आसपास में है। एक ज़बरदस्त गिवअवे साहिल फ्री डिश यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। तो दोस्तों करना क्या होगा, दोस्तों इस वीडियो को आपको लाइक करना होगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद से दोस्तों बेल वाले निशान यानी घंटी वाले निशान पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आइए, नीचे आपको एक कॉमेंट करना है, नाइस वेरी नाइस, जो भी आप कॉमेंट करना चाहें कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो देखने के बाद दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 10 ग्रुप में आप जरूर शेयर कीजिए।